सो हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग के एक न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ओवरहेड कॉस्टिंग। ठीक है, सो ये चैप्टर पूछा जाता है टीवाई बीकॉम को एंड फर्स्ट ईयर बैफ को। ठीक है, सो अगर आप टीवाई बीकॉम में हो तो ये चैप्टर आपको आ सकता है 15 मार्क्स के लिए, ओके। एंड अगर आप एफवाई बैफ में हो तो भी आपको ये चैप्टर आ सकता है 15 मार्क्स के लिए। That's why this chapter is very very important. ठीक है, ओवरहेड क्या होता है? आपने अगर videos, previous videos देखे होंगे cost accounting के, that is material and labor. Okay? मतलब अगर आपको कोई भी production करना होगा, कोई भी goods बनाना होगा, so three things are required. एक होता है material, दूसरा होता है labor, that is workforce, जो उस machine के ऊपर काम करने वाली है, और third one That is overheads, मतलब other expenses, rent, electricity, okay? बाकी जो भी charges है, okay? These are considered as overheads. तो overhead costing में दो type के question आते हैं normally. उसमें से first type हम लोग जो देखने वाले हैं, that is primary distribution of overheads. And it is very very easy. आपको question में क्या दिया जाता है? There are number of departments. कुछ होते हैं production department और कुछ होते हैं service department. तो आपको एक्सपेंसेस दिया जाएगा और वो एक्सपेंसेस आपको डिवाइड करना है बिटवीन दोस गिवन डिपार्टमेंट्स। लेकिन हर एक्सपेंस एक जैसा नहीं होता, तो हर एक्सपेंस को डिवाइड करने के लिए आपको कुछ बेसिस फॉलो करना है। तो हर एक एक्सपेंस को डिवाइड करने का कुछ लॉजिक होता है, ओके। तो वो बेसिस क्या है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। सो जिसको ये बेसिस समझ में आएगा उसको डेफिनेटली 15 मार्क्स मिल जाएगा। सो ध्यान से, इट्स माई रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग पेंसिल, पेन एंड नोटबुक लेके बैठते हो तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सो क्विकली वी विल सी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसेस, कौन सा एक्सपेंस आप लोग कौन से बेसिस पे डिवाइड करोगे, ओके। सो सबसे पहला दैट इज रेंट, ओके। रेंट कौन से बेसिस पे डिवाइड होता है? एरिया ऑक्यूपाइड या फिर फ्लोर स्पेस, ओके। जिस डिपार्टमेंट का जितना एरिया ऑक्यूपाइड होगा उस हिसाब से वो रेंट है वो डिपार्टमेंट में डिवाइड होगा। इसका जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट टाइम यू विल गेट आइडिया, ओके। सेकेंड पॉइंट दैट इज लाइटिंग एंड हीटिंग। तो लाइटिंग एंड हीटिंग कौन से बेसिस पे डिवाइड होता है? सबसे पहला लिखा है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। अगर क्वेश्चन में लाइट पॉइंट दिया है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, तो उस बेसिस पे इसको डिवाइड करोगे। और अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं दिया है तो डरने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट लिखा है दैट इज एरिया ऑक्यूपाइड, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स को। अगर लाइट पॉइंट है तो वो यूज करो, अदरवाइज वी कैन डिवाइड दैट एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। उसके बाद थर्ड एक्सपेंस लिखा है कैंटीन चार्जेस या फिर सुपरविजन चार्जेस। तो अभी कैंटीन में खाना कौन खाता है? एम्प्लॉइज। सुपरविजन किसका करना होता है? एम्प्लॉइज का। सो कॉमन सेंस से कौन से बेसिस पे डिवाइड होगा ये एक्सपेंस? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स। फोर्थ वन इज वेरी वेरी इजी, एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट आप किस चीज के लिए करते हो? फॉर सेल्स, टू इंक्रीज सेल्स, ओके। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आया तो कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से बेसिस पे डिवाइड करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 आप लोग देख सकते हो, दैट इज पावर। अभी पावर किस चीज के लिए लगती है? टू रन योर मशीन। तो पावर कौन से बेसिस पे डिवाइड होगा? हॉर्स पावर ऑफ मशीन। अगर हॉर्स पावर नहीं दिया सो नंबर ऑफ मशीन। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 दैट इज सन्ड्री और जनरल एक्सपेंसेस। जो भी नॉर्मल एक्सपेंसेस है कौन से बेसिस पे डिवाइड होगा? डायरेक्ट वेजेस या फिर नीचे लिखा है वेजेस और सैलरीज, ओके। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस कौन से बेसिस पे डिवाइड होगा? तो डायरेक्ट वेजेस, ओके। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 ईएसआई का फुल फॉर्म आपको पता होगा, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, ओके। ईएसआई एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस लाइबिलिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। वी ऑल नो पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड। तो कौन से बेसिस पे डिवाइड होगा? सबसे पहले अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दिया है तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे डिवाइड करोगे। अगर वो नहीं है तो वी आर गोइंग टू यूज नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस
मतलब नॉट लाइफ इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस किस चीज का निकाल सकते हो, यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक। अगर स्टॉक का इंश्योरेंस बोला तो कौन से बेसिस पे डिवाइड होगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ईच डिपार्टमेंट। उसके बाद आप सेल्स का सेल्स बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हो, अगर एसेट का इंश्योरेंस बोला है तो आप एसेट बेसिस पे भी ये इंश्योरेंस डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, दैट इज डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स। सो डेप्रिसिएशन किसका होता है, मशीनरी का। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट या फिर फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन आता है। एंड लास्ट पॉइंट दैट इज सैलरी। तो सैलरी कौन से बेसिस पे डिवाइड होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, सो हम लोगों ने टोटल एक्सपेंसेस देखे 11 राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, रेंट, लाइटिंग, हीटिंग, कैंटीन, एडवर्टाइजमेंट, पावर, सन्ड्री एक्सपेंस, इनडायरेक्ट वेजेस, ESI, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एंड सैलरी। सो नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन आएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ओके, उसके लिए इतने ओवरहेड्स काफी है, ठीक है। ये आपको बायहट करना है, बायहट करने की जरूरत नहीं, लॉजिक मैंने बताया। अगर आपको ये आ गया कौन सा एक्सपेंस कौन से बेसिस पे डिवाइड करना है, तो आप लोग इजीली, ओके, थोड़ा सा एफर्ट लेके 15 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखना होगा, जिसमें हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू सो मच।